सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। चित्तौड़गढ़ में चर्चित बनी एक शादी, जहां विदेशी दूल्हे ने भारत आकर की देसी दुल्हन से शादी। प्राप्त जानकारी अनुसार चित्तौड़गढ़ की बेटी ख्याति ने कनाडा से आए जर्मी तिहान से की भारतीय तौर तरीके से शादी। आपको बता दें कि कनाडा के निवासी जर्मी तिहान को भारत की सभ्यता और संस्कृति इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने भारतीय परंपरा से शादी करने के लिए चित्तौड़गढ़ आकर चित्तौड़ की बेटी ख्याति से सात फेरे लेकर जन्म जन्म के बंधन में बंध गए। उल्लेखनीय है कि ख्याति और कनाडा निवासी जर्मी तिहान के परिवारों की सहमति से ही यह विवाह संपन्न हुआ है, जहां दोनों के परिवारों ने भी इस शादी में भारतीय परंपराओं को निभाया। आपको बता दें कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्याता डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव और एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत प्रेम शंकर श्रीवास्तव की पुत्री ख्याति सन 2015 में उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गई थी, जहां शिक्षा के साथ ही जॉब भी करने लगी। वहीं एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में कनाडा निवासी जर्मी तिहान से हुई मुलाकात और दोनों ने शादी करने का मन बनाया। वहीं कनाडा निवासी जर्मी तिहान एक 5-स्टार होटल में शेफ के तौर पर कार्यरत है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह शादी दोनों के परिवारों की सहमति से हुई है, जहां विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन के परिजनों सहित इष्ट मित्रों ने भी शादी का भरपूर आनंद लिया। No, this is my first time. What is the difference between Indian culture marriage and Canadian culture marriage? There's more love and hospitality here in India, as well as we fully embrace the culture. Are you also doing a marriage ceremony? I do. Can you imagine? Yes, I can. बहुत टाइम बाद मेरी पूरी फैमिली साथ में इकट्ठी हुई और ऐसा लगा मेरी शादी है। हाफ ऑफ द टाइम हम लोग मस्ती में ही बिजी थे, पर काफ़ी अच्छा लगा। बहुत कड़वा क्वेश्चन है, अगर परिजन राजी नहीं होते, एग्री नहीं होते तो कैसा होता? अगर पेरेंट्स राजी नहीं होते तो ये नहीं होता, बिकॉज वो उनकी उनका हाँ और ना मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज मैं कैनेडा ही उनकी वजह से गई थी। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं वहाँ नहीं होती, और ये चीज़ मैंने उनको भी क्लियर करी थी कि अगर मेरे पेरेंट्स इस चीज़ का मतलब नहीं करेंगे तो ये चीज़ नहीं। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है आने वाले टाइम के लिए। अभी तक नर्वस थी, पर सब कुछ अच्छे से गया, आने वाला टाइम भी अच्छा। ऑनर किलिंग बहुत ही सैड सिचुएशन है ये ऑनर किलिंग, क्योंकि अगर कोई दो इंसान आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और खुशी खुशी साथ रहना चाहते हैं तो दूसरे लोगों को उस उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए रादर देन उनको मार देना, विच इज़ किसी का हक। किसी को मारना किसी के लिए मारना की कोई सोल्यूशन नहीं है। आप किसी को मार नहीं सकते, सबने इस दुनिया में जन्म लिया है, एवरीबडी हैज़ देयर चॉइसेस। तो हम उस चीज़ पे मैं उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। जब हम लोग मिले थे तब मैंने नहीं सोचा था कि इट दिस कैन गो अप टू दिस मच, बट या। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।